कहते हैं कि जब किसी की अकाल मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक कि उसकी अधूरी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। साल 1992 में इसी तथ्य को बॉलीवुड फिल्मों के मसालों में लपेटकर एक बेहद मनोरंजक फिल्म बनाई गई जिसका नाम था चमत्कार। आज के इस रोचक वीडियो में हम इसी फिल्म पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे इससे जुड़ी 12 खास अनसुनी बातें। ईगल फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था प्रवेश सी मेहरा ने तथा इसके निर्देशक थे राजीव मेहरा। फिल्म की कहानी लिखी थी शौकत बेग ने, संवाद लिखे थे लिली पूट ने तथा पटकथा लिखा था राजीव मेहरा और शौकत बेग ने मिलकर। तकरीबन 2 घंटे 51 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 8 जुलाई 1992 को तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे नसीरुद्दीन शाह, शाहरुख खान, उर्मिला मातोंडकर, शम्मी कपूर, टीनू आनंद, मालविका तिवारी, देवेन वर्मा, आशुतोष गोवरीकर, गेविन पैकर्ड, जॉनी लिवर, राकेश बेदी, अली असगर आदि। फिल्म चमत्कार अपने कर्णप्रिय गीत संगीत के लिए भी जानी जाती है जिनके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने तथा धुन तैयार किया था अनु मलिक ने। फिल्म के ऑडियो एल्बम में कुल 6 गाने रखे गए थे जिनके बोल थे ओ मेरी नींदे चुराने वाले, बिच्छू ओ बिच्छू, इस प्यार से मेरी तरफ न देखो, देखो देखो चमत्कार, जवानी दीवानी और ये है प्यार प्यार। फिल्म के इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी कुमार सानू, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, आशा भोसले, अलका याग्निक, पूर्णिमा सिंह और नंदू भेंडे ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 12 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म चमत्कार साल 1992 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 21वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था 2 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 45 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को औसत घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म बेटा जिसने 13 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म दीवाना जिसने 7.5 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म खुदा गवाह जिसने 6.5 करोड़ रुपए कमाए और यह बिलो एवरेज रही। फैक्ट नंबर 2, फिल्म चमत्कार की बेसिक स्टोरी लाइन साल 1968 में आई अमेरिकी फैंटेसी कॉमेडी फिल्म ब्लैक बियर्ड्स घोस्ट से प्रेरित नजर आती है जो स्वयं साल 1965 में इसी नाम से प्रकाशित एक उपन्यास पर आधारित थी। बताता चलूं कि इस अमेरिकन फिल्म से प्रेरित होकर उस समय बॉलीवुड में अन्य 2 फिल्में भी बनाई गईं। ये फिल्में थी साल 1991 में आई राहुल रॉय और अमृता सिंह स्टारर प्यार का साया और इसी साल आई जितेंद्र और जया प्रदा स्टारर माँ। फैक्ट नंबर 3, कहा जाता है कि इस फिल्म के लिए चुने जाने के बाद जब शाहरुख खान ने गौरी छिब्बर से शादी करने का फैसला किया तो फिल्म के प्रोड्यूसर परवेश सी मेहरा ने शाहरुख खान से यह कहा कि फिल्म के रिलीज तक रुक जाओ नहीं तो तुम्हारे शादीशुदा होने की खबर फिल्म के प्रदर्शन पर असर डालेगी। इस बात को नकारते हुए परवेश सी मेहरा के बड़े बेटे उमेश मेहरा कहते हैं कि यह बात पूर्णतः गलत है, असल में मेरे पिता ने ऐसी कोई रोक टोक नहीं की थी। फैक्ट नंबर 4, जैसा कि हम सब जानते हैं कि शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म रही साल 1991 की दीवाना, परंतु उन्होंने जो फिल्म सबसे पहले साइन की थी असल में वो चमत्कार थी। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है कि शाहरुख खान पहले दिल आसना है के लिए चुने गए थे, परंतु फिल्मकार उमेश मेहरा के अनुसार उनके पिता परवेश सी मेहरा और भाई राजीव मेहरा ने ही शाहरुख खान को सबसे पहले चमत्कार के लिए साइन किया था। हालांकि ये बात अलग है कि चमत्कार के बनने में देरी होने के चलते दीवाना फिल्म रिलीज हो गई थी। फैक्ट नंबर 5, फिल्म चमत्कार में शाहरुख खान के द्वारा निभाए गए सुंदर श्रीवास्तव की भूमिका के लिए पहले उन दिनों के सुपरस्टार गोविंदा को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन दिनों गोविंदा अत्यंत व्यस्त चल रहे थे अतः चाहकर भी इसे नहीं कर पाए और इस तरह से फिल्म शाहरुख खान के खाते में चली गई। बताता चलूं कि गोविंदा के अलावा यह फिल्म दीपक मल्होत्रा को भी ऑफर की गई थी जो कि उन दिनों एक उभरते हुए कलाकार थे और यश चोपड़ा जैसे दिग्गज फिल्मकार ने उन्हें लम्हे जैसी अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म में साइन किया था। फैक्ट नंबर 6, फिल्म के शीर्षक चमत्कार को लेकर भी एक बेहद दिलचस्प तथ्य कुछ यूं है कि साल 1979 में इसी नाम को लेकर एक फिल्म बनाने की कोशिश की गई थी जिसकी मुख्य भूमिकाओं में राजेश खन्ना और परवीन बाबी को लिया गया था, लेकिन किसी कारणवश वो फिल्म नहीं बन सकी थी। आगे चलकर विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और श्रीदेवी आदि को लेकर नगीना फिल्म निर्देशक हरमेश मल्होत्रा ने चमत्कार नामक एक अन्य फिल्म बनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी फिल्म बीच में ही बंद हो गई। बताते
बताता चलूं कि हरमेश मल्होत्रा के इसी फिल्म की कहानी पर साल 1988 में निर्देशक एस आर प्रताप ने मर्दांगिनी नाम से एक फिल्म बनाई जिसमें हेमंत बिरजे और दारा सिंह जैसे कलाकार नजर आए थे। फैक्ट नंबर 7, फिल्म में शाहरुख खान और नसीरुद्दीन शाह की केमिस्ट्री देखते ही बनती है, जिसे आगे चलकर लोगों ने बेहद पसंद भी किया। यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बता दूं कि चमत्कार वो पहली फिल्म रही जहाँ ये दोनों दिग्गज कलाकार पहली बार एक साथ नजर आए थे। आगे चलकर दोनों ने अन्य कई फिल्मों में काम किया, मसलन साल 1994 की कभी हाँ कभी ना, 1996 की चाहत, साल 2000 की गजगामिनी और हे राम, 2004 की मैं हूँ ना, 2005 की पहेली आदि। फैक्ट नंबर 8, नसीरुद्दीन शाह के अलावा जॉनी लीवर के साथ भी पहली बार शाहरुख खान ने इसी फिल्म में काम किया था। आगे चलकर इन दोनों एक्टर्स के जोड़े ने तकरीबन 1.5 दर्जन फिल्मों में काम किया जिनमें से कुछ बेहद कामयाब भी रही, मसलन साल 1993 की बाजीगर, 1999 की करण अर्जुन, 1997 की कोयला, 1998 की कुछ कुछ होता है, 1999 की बादशाह, 2001 की कभी खुशी कभी गम आदि। फैक्ट नंबर 9, यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें उर्मिला मातोंडकर ने शाहरुख खान के अपोजिट हीरोइन की भूमिका निभाई थी। हाँ, आगे चलकर दोनों साल 2007 में आई फिल्म ओम शांति ओम के एक गीत में अवश्य नजर आए, परंतु उस फिल्म की नायिका दीपिका पादुकोण थी। फैक्ट नंबर 10, बहुत कम लोग जानते हैं कि उर्मिला ने अपनी फिल्मी कैरियर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किया था। आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उर्मिला इस फिल्म से पहले भी साल 1983 की फिल्म मासूम में नसीरुद्दीन शाह की बेटी का रोल प्ले कर चुकी थी। उन दिनों उर्मिला मातोंडकर केवल उर्मिला के नाम से ही जानी जाती थी, हालांकि फिल्म चमत्कार में भी उन्हें बतौर उर्मिला ही क्रेडिट मिला था, लेकिन इस समय तक मीडिया में वो उर्मिला मातोंडकर के नाम से फेमस हो चुकी थी। फैक्ट नंबर 11, ये उन विरले फिल्मों में से एक है जिसमें आजकल के मशहूर फिल्मकार आशुतोष गोवारिकर ने बतौर एक्टर काम किया था। उन दिनों आशुतोष गोवारिकर बतौर फिल्म लेखक खुद को स्थापित करने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन काम की कमी और पैसों की तंगी ने उनसे अभिनय का काम करवा लिया। हालांकि बतौर एक्टर भी वो बुरे नहीं लगते। फिल्म चमत्कार के अलावा जिन फिल्मों में इन्होंने छोटी मोटी भूमिकाएं निभाई वो थी साल 1984 की होली, 1986 की नाम, 1989 की गुंज, 1991 की इंद्रजीत, 1992 की जानम, 1994 की कभी हाँ कभी ना आदि। फैक्ट नंबर 12, फिल्म का गीत जवानी दीवानी के ओपनिंग म्यूजिक को अनु मलिक ने अगले ही साल आई अपनी एक अन्य फिल्म बाजीगर के गीत ये काली काली आंखें में भी रियूज किया था। इसके अलावा बाजीगर फिल्म के इस गीत में साल 1987 में आई द कवर गर्ल्स के गीत बिकॉज ऑफ यू के भी म्यूजिक पीसेस का प्रयोग हुआ था। तो ये थी नसीरुद्दीन शाह, शाहरुख खान और उर्मिला मातोंडकर की बेहद चर्चित फिल्म चमत्कार पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।